त्रिकोणमितीय का मेन इंपॉर्टेंट जितना फॉर्मूला है उतना आज कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का खोज क्यों किया गया, तो त्रि का मतलब होता है तीन, अब को का मतलब होता है माप, को का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापन। तीन कोण को मापने के लिए जिस आकृति का प्रयोग किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण को मापने के लिए जिस आकृति का प्रयोग किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण किसका होता है, चतुर्भुज का नहीं होता है, तो ट्रायंगल का होता है। द ट्रायंगल, ट्रायंगल पर ही ए आधारित है, ट्रायंगल का भी क्षेत्र आठ होता है, और जो ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज है उसी पर ए आधारित है, तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ए बी सी जो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, एज कहते हैं। इसमें से लंब होता है कथा होता है, तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, तो यहां पर थीटा है तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब बी जो बच गया उसको धार कहते हैं, बेस कहते हैं, बेस को बी से लिखते हैं, आधार बेस को बी से लिखते हैं। इसी पर पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण, समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति का कहे गया पाइथागोरस प्रमेय में खोज किया समकोण त्रिभुज, तो कहे थे कि दो भुजाओं का, छोटी दो भुजाओं का योगफल बड़ी दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, तो बड़ी भुजा AC के योगफल और दो छोटी भुजा के योगफल के बराबर होता है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये दो भुजा के बड़ों का योगफल के बराबर होता है। तीसरे क्या कहते हैं, एज कहते हैं, तो एज का स्क्वायर ए बी ए का सकते हैं, बी का सकते हैं, लंब का सकते हैं, परपेंडिकुलर कर सकते हैं। बी सी को क्या कर सकते हैं, बी का सकते हैं, बेस करते हैं, तो बीस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला बहुत बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको और भी कर सकते हैं, जैसे मैं हमको पूछ दिया पी, पूछ दिया पी स्क्वायर मतलब लंब पूछ दिया, तो एच स्क्वायर को रहने देंगे, फिर ए प्लस में भी है, ई पटी माइनस में आ जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया लंब बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर आधार, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसीलिए अगर हम परपेंडिकुलर के निकाल दें, हाइपोटेनस का निकाल दें, अगर बेस का निकालना रहता, बेस आधार का, तो बेस का आधार का स्क्वायर बराबर ए एच स्क्वायर तो रहेगा, ए प्लस में है पट्टी माइनस में आएगा, माइनस परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। बेस बराबर, बेस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसे इसको थोड़ा नोट कर लो, इसी पर आगे चलकर कैसे त्रिकोणमिति साइन थीटा छह निष्पत्तियां होते हैं, इसको नोट कर लो। अब हम लोग उसके फॉर्मूला को जानते हैं, इसके अनुपात में त्रिकोणमिति अनुपातिक होता है, जैसे में 10 से रेशियो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं एक रेशियो 2, उसी पर हम लोग हम लोग का ट्रायंगल था समकोण त्रिभुज ए बी सी था, इसको समकोण के सामने लोग कर्ण कहते हैं,
आज यहाँ पर थीटा है, थीटा को सामने वाला को लम कहते हैं, लम कहते हैं। और आज नीचे बच गया वो जिस पर 90 डिग्री, उसको आधार कहते हैं। ये बच गया आधार कहेंगे, इसको एज कहते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कहते हैं। तो अनुपातित होता है, इसकी निष्पत्ति अनुपातित होता है, जिसमें इसको हम एज बटा इसके अनुपात में लिख सकते हैं, क्या चीज एज बटा की लिख सकते हैं अनुपात में, इसको साइन थीटा कहते हैं, इसको साइन थीटा कहते हैं। फिर इसी प्रकार हम और सबका लेते हैं, एज बटा पी भी लिख सकते हैं, बी बटा लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। लेकिन इसको याद करना है, छोड़िए रटना छोड़िए, कॉन्सेप्ट समझना है। मैथ में कोई भी चीज होता है ना तो रट्टा नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझना है ये कैसे हुआ है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां छह होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक ठो होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर कॉट थीटा हो जाएगा। ये होता है साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा साइन होता है। इसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। उसी प्रकार हम लोग को टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। साइन का उल्टा कॉस, कॉसे का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। इसी प्रकार से होता है। ये फॉर्मूला आपको रखने में एकदम इजी पूर्वक आ रहा है। देखो जैसे ए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा है, इसे ध्यान रखना है। इसी तीन को सिर्फ याद करना है, ये तीन अपने आप याद रहते हैं, तो इसको भी नहीं करना है। देखो जैसे कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भारत। बस ये ट्रिक है याद करने का। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा, और इसको लिख सकते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। ये लिख सकते हैं पी से पाकिस्तान, भी से भूखा, पी से पड़ा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, अभी से भरा। इस ट्रिक होता है जैसे कि पी बटा एच को हम साइन थीटा कहते हैं, साइन का हो जाएगा। उसी प्रकार बी बटा एच को कॉस कहते हैं, कॉस हो जाएगा। इसी प्रकार पी बटा बी को लम टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा। इसको नोट करना, ट्रिक के काम करेंगे। फॉर्मूला लिखाते हैं हम सभी का, देखो याद करना पड़ेगा। पाकिस्तान में नहीं है ट्रिक, यही है मेन यही है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, तो पी से पाकिस्तान, भी से भूखा, पी से भरा पड़ा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। इसी प्रकार फॉर्मूला निकलता है, ट्रिक का काम करेगा हम लोग को। पाकिस्तान पी बटा एच साइन हो जाएगा, बी बटा एच कॉस हो जाएगा, पी बटा बी टेन हो जाएगा। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। फिर से रिपीट करते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी बी पी, एच एच बी। इसे इसको नोट करो। फिर अगला करते हैं, साइन का उल्टा कॉस सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसे फॉर्मूला निकालना है। तो बताया था ना जी, टीका काम हमने बताए थे कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो P बटा H का चल होगा साइन होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P बटा H, इसका
लम बटा कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग कॉस को करते हैं तो कॉस ए ना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बी बटा एच, बी बटा एच। बी को क्या कर सकते हैं, बी को हम लोग बेस कर सकते हैं, आधार कर सकते हैं, आधार अपटा में कर्ण हो जाएगा, एच में कर्ण होता है। फिर इसी प्रकार टेन को लिख सकते हैं, टेन को क्या कर सकते हैं, पी बटा बी, पी बटा बी लम बटा आधार, लम बटा आधार। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा पी बटा एच लम बटा कर्ण, कॉस थीटा बी बटा एच आधार बटा कर्ण, टेन थीटा पी बटा बी लम बटा आधार। अब किसी फॉर्मूला से हम लोग को इस तीन को भी क्या करना है, बस याद रखना है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन थीटा पी बटा एच लम बटा कर्ण, कॉस थीटा बी बटा एच आधार बटा कर्ण, टेन थीटा पी बटा बी लम बटा आधार। अब हम लोग को अब इसका जस्ट इसको उल्टा करना है, रिवर्स कर देना है। जैसे कि पूछ दिया हम लोग से कौशिक का, पूछ दिया कौशिक थीटा इक्वल टू कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा को किसका उल्टा किसका होता है, साइन उल्टा कौशिक होता है, कौशिक तो कौशिक को लगा उल्टा और ये भी उल्टा हो जाएगा, तो एच बटा पी इसका लिख सकते हैं कर्ण बटा लम, कर्ण बटा लम, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी कर्ण बटा लम। याद रखने का देखो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको उल्टा कर देंगे, एच उठ जाए पी नीचे जा लगा कर्ण नीचे लम नीचे, तो कर्ण बटा लम एच बटा पी हो जाएगा। उसी प्रकार को सेक का करना है, सेक तो सेक का उल्टा काच होता है, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा कॉस, कॉस इसका भी उल्टा कर देंगे, तो एच बटा बी कर्ण बटा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसी पर हमें टेन का करना है, तो टेन का उल्टा काच होता है कॉट, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, अथवा अभी तुम भी लिख सकते हो इसको भी काच करें, इसको भी उल्टा कर देंगे, तो बी बटा पी आधार बटा लम, आधार बटा लम। एक फॉर्मूला होगा किसे देख लो, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन बोल्टा कौशिक, कॉस बोल्टा सेक, टेन बोल्टा कॉट, तो साइन थीटा लम बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लम बटा था इसका, साइन बोल्टा कौन था कौशिक होता है, तो कौशिक होता है कर्ण बटा लम हो जाएगा, कॉस बोल्टा सेक दिस बोल्टा करते हैं कर्ण पर आधार नीचे, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा का टेन का पी बटा बी लम बटा आधार, उल्टा का जो आधार बटा लम, इसी से नोट करो। अब इसी प्रकार हम लोग सो अब फॉर्मूला बनाने की आप कोशिश करते हैं, देखो वो पूछा है कि दो बटा पांच का रिवर्स क्या होता है, रिवर्स तो रिवर्स में उल्टा, दो बटा पांच उल्टा होगा, पांच बटा दो होगा, और दोनों गुणनफल कितना होगा एक होगा ना, दोनों का गुणनफल कितना होगा एक होगा, बस दिमाग में रखना है। जैसे मैं दो बटा पांच था इसका उल्टा रिवर्स पांच बटा दो होगा, तो इसका गुणनफल कितना होगा एक होगा। इसी प्रकार हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे आप पूछ दिया पहला में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इज रिवर्स ना है, तो रिवर्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा रिवर्स है, रिवर्स का कितना होगा एक होगा। देखो कैसे होगा, पूछे कैसे होगा, देखो साइन थीटा क्या होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पी बटा एच इसका पी बटा, साइन उल्टा कौशिक होता है इसका रिवर्स होगा ना, रिवर्स में होगा एच बटा पी, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, आगे ने प्रूफ होकर आ गया ना एक। इसी प्रकार से रिवर्स में अब दूसरा इसमें इसे आप फॉर्मूला निकल सकता है, जैसा कि हम लोग साइन थीटा इक्वल टू शुरू से पढ़ रहा होगा कि अगर दो चीज गुणनफल में है तो इसको एक चीज को डिवाइड ले जा सकते हैं, भाग में ले जा सकते हैं, तो वन तो रहेगा, और साइन थीटा पूछ रहा है तो कॉस नीचे, तो कॉस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा
वन बटा कोसेक थीटा, हमको बताना है कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा इक्वल टू वन रहेगा। अब साइन के नीचे भेज देंगे, कॉस तो रहने देंगे ना, साइन के नीचे भेज देंगे तो वन बटा साइन थीटा होगा, काहे कि मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसको डिवाइड में चला जाएंगे नीचे, बस यही यह फॉर्मूला। फिर आगे चलते हैं तो दूसरा फॉर्मूला निकलता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन। फिर माथा में तुमको दिमाग में आएगा कि ये वन कैसे हुआ, तो क्या चलता है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हर फिर से भर करते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये वाला साइन आगे वाला, फिर कॉस, तो कॉस बी बटा एच होता है ना, तो कॉस का बी बटा एच, फिर इसका रिवर्स होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, कॉस को उल्टा एच होता है, सेक होता है, रिवर्स में इसका उल्टा फॉर्मूला भी एच बटा बी होगा, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, कितना आया मान एक आएगा, समझ में आया कैसे फॉर्मूला है, रिवर्स को चलिए रिवर्स करते, जैसे बीस का रिवर्स करना है नीचे में एक रिवर्स में गुना कर देंगे तो ये कितना आएगा, उसी प्रकार रिवर्स होगा, कॉस का बी बटा एच, सेक का इसका उल्टा होता है एच बटा बी, इधर आधार बटा कर्ण, सेक कर्ण बटा आधार, कट के आ गया ए, इसी प्रकार इससे फिर फॉर्मूला निकलता है, जैसे कि कॉस थीटा इक्वल टू एक मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में जाएगा वन बटा सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सेक थीटा का पूछ दिया तो वन बटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन नहीं है, जैसे डिवाइड में जाएगा सेक का सेक रहेगा। इसी प्रकार तीसरा भी फॉर्मूला निकलता है बाबू, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों रिवर्स ना है, देखो टेन कोटा कट होता है तो रिवर्स में दूसरे मन कितना होता है एक होता है, कैसे हुआ ये तो मेरे मन में प्रश्न आएगा, तो टेन निकाल सकते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, आगे साइन कॉस फिर टेन, तो पी बटा बी, तो पी बटा बी लम बटा आधार टेन को लिख सकते हैं। फिर कॉट थीटा है तो कॉट के क्या लिख सकते हैं, आधा इस उल्टा होता है बी बटा टी, ऐसे कट जाएगा ऐसे एक कट जाएगा, इससे कितना आया एक आया, प्रूफ हो गया ना कैसे आया, बस टेन को पी बटा बी होता है आधार बटा लम, कॉट को इसे उल्टा होता है आधार बटा लम, बस ये कट जाएगा बी से बी कटेगा बी से बी कट जाएगा एक आ जाएगा, इसी प्रकार फॉर्मूला होता है, इसका भी लिख सकते हैं आगे चलकर। देखो जैसे कि हमको पूछ दिया टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन क्या लिख सकते हैं वन बटा कॉट थीटा, लिख सकते हैं ना टेन मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में जाएगा, फिर कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं वन बटा टेन थीटा, लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते, टेन मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में जाएगा वन बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉट को रख देंगे टेन के मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइड में जाएगा वन बटा टेन थीटा हो जाएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब नोट कर लेंगे, इसको नोट करो आगे फॉर्मूला बनाते हैं। इसी प्रकार हम लोग और फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन कॉस जोड़ में रहेगा और सेक टेन घटाव में रहेगा, दोनों का फॉर्मूला घटाव में रहेगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन होता है, ऐसे भी साइन कॉस आ गया तो बोलने में इजी नहीं लगता हम लोग को, साइन कॉस तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। अभी ए वन कैसे आया, तो कोई उल्टा में वन होता, याद ध्यान रखना कि साइन इंटू कोसेक थीटा इंटू वन होता था, लेकिन अब जोड़ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं। जैसे मैं साइन थीटा को हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान होगा एच बटा पी, तो एच बटा पी होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा होता है एच बटा पी लम बटा कर्ण, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कॉस स्क्वायर थीटा का जो होता है आधार बटा कर भी आधार बटा, ऐसे कि पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, तो लम बटा वहां पर होगा लम बटा कर, यहां पर क्या होगा आधार बटा कर, आधार बटा कर इसका स्क्वायर तीसरा स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर इक्वल टू बी बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे लसा लेंगे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर
वन तो वन करेंगे पी से वन तो सेम है, इसको लिख सकते हैं सीधा। तो फॉर्मूला क्या होगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, ए से एक कट गया ये एक आया, यही तुम्हारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। इसी प्रकार इसे फॉर्मूला और निकल सकता है, जैसे कि हमको साइन स्क्वायर थीटा तो वन एक प्लस में एड तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, प्लस में माइनस चल जाएगा। इसे साइन प्लस में है अब कॉस का पूछ रहा है तो बटे माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दूसरा में दोनों एक साइन और कॉस दोनों ऐड में होगा और दो दो बच गया सेकेंड कॉसेक, ये चारों ऐड सब्ट्रैक्शन होगा। देखो जैसे इसलिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, इसको भी प्रूफ कर सकता है। देखो कर देते हैं, इसको हम एच बटा बी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है। टेन को हम बी बटा पी लिख सकते बी लिख सकते हैं, ये भी होल स्क्वायर है। इसको हम एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको हम बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी बी सेम है इसको लिख सकते बी स्क्वायर होगा। बी में करें बी से एच में करें एच स्क्वायर, बी में वन वन करेंगे पी से वन पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर का जो होता है धार का स्क्वायर बटा में धार का स्क्वायर, ए से एक कटे कितना आ गया एक, प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ है नोट कर लेना प्रूफ हो गया। इसी पर इससे भी फॉर्मूला निकल सकता है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन रहेगा माइनस ऊपर प्लस में चल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें टेन स्क्वायर थीटा को दिया तो टेन एक अगर इस साइड को ए वाला को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, इसको लेंगे ऊपर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फिर से देखो सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिए वन तो वन रहने दिए ए माइनस में तो बट प्लस में प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको टेन स्क्वायर थीटा का पूछा रहने दिए माइनस में नहीं तो इसको ऊपर ले जाएंगे इसको नहीं लेते प्लस में हो जाएगा, इसे सेक स्क्वायर थीटा का रहने दिए प्लस में बटे माइनस में हो जाएगा माइनस वन। इसी प्रकार तीसरा को फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो कोसेक क्या लिख सकते हैं, कोसेक को पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसको साइन एक कॉस इसको टेन, ध्यान में रखना पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो कोसेक को साइन कौन का तो एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा पी इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का कैसे लिख सकते हैं टेन कौन का तो पी बटा पी इसको जी बटा पी का होल स्क्वायर, इसको एच स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर दोनों सेम है एलसीएम सेम होगा, इसको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कर्ण स्क्वायर माइनस धार का स्क्वायर होता है लंग का स्क्वायर पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, ए से कट जाएगा कितना आ गया एक, ये प्रूफ हो जाएगा इसको नोट कर लेना ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। इसको कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं ए छोटा पी होल स्क्वायर है, इसे कॉट को लिख सकते हैं बी बटा पी का होल स्क्वायर, सब तोड़ दिए दोनों सेम है एलसीएम ले लिए, ये दोनों का कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंग का स्क्वायर होता है दोनों कट गए एक मिनट, इसको नोट कर लेना प्रूफ करने के लिए प्रूफ हो गया तुम्हारा। अब देखो इसे ही प्रमाण कर सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस होते प्लस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर तुमसे पूछे कॉट स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं काट देखो ये कॉट माइनस में बटे प्लस में जाए तो लिख दिए आप फिर कोसेक स्क्वायर थीटा आई माइनस में ही बटे इधर प्लस में आ जाएगा प्लस में बटे माइनस में आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। बस इसी प्रकार एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
जैसे कि माना कि एक समकोण त्रिभुज का, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं सिर्फ बोल दे रहे हैं, समझ जाना। माना कि एक समकोण त्रिभुज का ए बी सी, माना कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 है, एक थीटा पर है। माना कि समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए बोल देना, कर्ण हाइपोटेनस एच तुम्हारा पूछ दिया, एच निकाल दो। बोल दिया कि लंब 4 है और आधार 3 है, तो इसका पर हाइपोटेनस बताओ तुम, हाइपोटेनस बताओ। तो कर्ण पूछ रहा तुम्हारा, एच पूछ रहा है, एच तो एच में फॉर्मूला लिखा है, एच फॉर्मूला ही ना होता है, कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर यही ना होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही ना होता है, बस मान रख देंगे। एच स्क्वायर पूछ रहा है, एच को रहने दें, एच के बच्चे इसको इससे समान रखा जाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है, थीटा के समान पर लंब कहते हैं। फिर इसको जो बच्चे उसको धार कहते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ये बीस ना बेस ही ना होगा, बेस बी स्क्वायर पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एच स्क्वायर 25 आ गया है तो इसको हम एच इधर स्क्वायर तो रूट चलाएगा, तो रूट 25 होगा, और रूट 25 का मतलब कितना होता है 5 होता है, तो कर्ण कितना हमको निकल गया 5। इसी प्रकार किसी भी चक्र का हम लोग बना सकते हैं वीडियो, इसी किसी भी प्रकार चक्र के क्वेश्चन बना सकते हैं इसी प्रकार। और कल और कुछ टॉप चलेंगे, आज भर इतना ही।